नमस्ते, द स्मार्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आर्थिक समीक्षा के प्रथम भाग में देखा, सारांश की चर्चा हमने वहां पे की थी। उसके बाद हमने राज्य के जो आर्थिक सूचकांक थे उनके बारे में, जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। उसके बाद हम सेकेंड भाग के रूप में अगर हम ले तो आज के इस वीडियो में हम बैंकिंग व्यवस्था, कृषि एवं संबंध सेवाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें आर्थिक समीक्षा में जो बिंदु छुए गए हैं उनको हमने विस्तृत रूप से व्याख्या करके और ऐसे सभी प्रश्नों को समाहित करने की कोशिश की है जो प्रीलिम्स के हिसाब से या मेंस के हिसाब से महत्वपूर्ण है, उनको हमने जोड़ा है, साथ ही उनको अपडेट किया है नए फिगर्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज हम आर्थिक समीक्षा का पार्ट 2। आर्थिक समीक्षा में बैंकिंग एवं वित्त के नाम से एक टॉपिक जोड़ा है जिसमें बैंक की शाखाओं के बारे में विवरण दिया गया है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितने, ये जो शब्द मैंने काम लिया है लघु वित्त बैंक, तो शाखाओं की जगह आर्थिक समीक्षा में बैंक ही लिखा हुआ है, इसलिए हमने ये काम लिया। तो अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं और निजी बैंक की शाखाएं, 7 विदेशी बैंक की शाखाएं भी राजस्थान में, और 351 लघु वित्त बैंक की शाखाएं हमारे राजस्थान में कार्यरत है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते क्या है, निजी क्षेत्र के बैंक क्या होते हैं, विदेशी बैंक क्या होते हैं और लघु वित्त बैंक क्या होते हैं। ये महत्वपूर्ण और इकोनॉमिक्स की दृष्टि से या प्रीलिम्स की दृष्टि से आरएस की ये महत्वपूर्ण होती है इनकी सामान्य जानकारी हमें, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में इन बिंदुओं को शामिल किया गया है। तो आवश्यक नहीं कि ये पूछे कि कितनी लघु वित्त बैंक की कितनी शाखाएं हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि लघु वित्त बैंक के बारे में कोई अन्य सूचनाएं या ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में अन्य सूचनाएं मांग ली जाए। तो इसको हम थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम को समझे, इसके लिए हमको समझना होगा कि बैंकिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बैंकिंग और एक होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा नोट्स में भी डाला है कि वित्तीय संस्थान दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक तो होते हैं बैंक और एक तो होते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। तो आज हम जो कवर करेंगे वो बैंकिंग संस्थान को करेंगे, आज गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को हम नहीं पढ़ेंगे। हालांकि इकोनॉमिक्स की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है लेकिन आज हम इन पे नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि बैंक दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं वाणिज्यिक बैंक और एक होते हैं सहकारी बैंक। इन दोनों को हमने, क्योंकि प्रीलिम्स के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है इसलिए हम दोनों को हमने कवर किया है। बैंक की बात करें तो बैंक चार तरीके के होते हैं, वाणिज्यिक बैंक चार तरीके के होते हैं, सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक और डिफरेंशियल बैंक, विविधता सूचक या विशेषता सूचक बैंक। तो सबसे पहला प्रश्न तो प्रीलिम्स के हिसाब से ये हो सकता है कि यूनिवर्सल बैंक के अंतर्गत कौन कौन से बैंक शामिल हो। जो तीन तरह के बैंक है, सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंक, इन तीनों को मिलाकर यूनिवर्सल बैंक कहा जाता है। जबकि डिफरेंशियल बैंक क्या होते हैं, डिफरेंशियल बैंक अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, अगर मैं इंग्लिश की शॉर्ट जिसको इनको बोला जाता है आरआरबी, एलएबी, एसएफएबी और पेमेंट बैंक्स, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है इसलिए हमने इसको शामिल किया। जब हम बैंक्स की बात करेंगे तो सहकारी बैंक की पहले, सबसे पहले राज्य के हिसाब से हम बात कर लेते हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। सहकारी बैंक दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं अल्पकालीन और मध्यकालीन जो ऋण उपलब्ध कराते हैं वो, और एक तो दीर्घकालीन शाख यानी ऋण जो उपलब्ध करवाते हैं वो बैंक। तो अल्पकालीन ऋण जो हमें उपलब्ध करवाते हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, सहकारिता का एक अलग से पूरा राजस्थान का चैप्टर आरएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एग्जाम में वो आपको स्टडीज का करना ही है। तो अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण की अगर जो सुविधा उपलब्ध करवाने वाले बैंक उनकी अगर मैं बात करूं तो सबसे शीर्ष पे होता है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, वो एक है जो जयपुर में, दूसरा होता है जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक। एक बार प्रश्न पूछा था आरएस प्री में कि राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो 29 हमने साथ में धीरे से छोटा सा लिख दिया है। प्राथमिक स्तर पे जो विलेज लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे जो कार्य करती है, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां जो सबसे अधिक कार्य करती है, ये है 6,687। ये फिगर भी लेटेस्ट फिगर हमने इसमें आर्थिक समीक्षा से डाल दिया। ये तो हो गई अल्पकालीन या मध्यकालीन सहकारी ऋण जो उपलब्ध कराती है वो संस्थाएं। दीर्घकालीन ऋण के लिए दो द्विस्तरीय स्ट्रक्चर है, शीर्ष पे तो है राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और नीचे प्राथमिक जिला, प्राथमिक या जिला स्तर पर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक जो 36 है। तो ये प्रीलिम्स के लिए आज से महत्वपूर्ण है, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये सहकारिता का एक स्ट्रक्चर हमने बता दिया। अब हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल बैंक और
डिफरेंशियल बैंक, इनमें डिफरेंस क्या होता है ये सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। तो समझ लेते हैं, ये हमने हल्का सा नोट्स में डाला है कि यूनिवर्सल बैंक, तो पहला डिफरेंस तो इनकी जो ब्रांच ओपन होती है, जिनकी शाखाएं जो खोली जाती है उसमें डिफरेंस है। यूनिवर्सल बैंक जो है तीनों तरह के, वो उनकी शाखाएं कहीं भी खोली जा सकती है, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में ही खुलेगी या सेमी अर्बन में खुलेगी या अर्बन में। सिर्फ इतना सा रिस्ट्रिक्शन है कि उनकी शाखाओं का 25% रूरल एरिया में होना चाहिए। लेकिन डिफरेंशियल बैंक उनके लिए स्पेसिफिक एरिया निश्चित होता है। जैसे मैं अगर बात करूं RRB की, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की, तो ये रूरल के लिए है। और LAB की बात करूं, मैं लघु वित्त बैंक की अगर मैं बात, लोकल एरिया बैंक की अगर मैं बात करूं, तो ये रूरल और सेमी अर्बन में खुल सकती है। तो एक अंतर यहाँ पर हमको देखने को मिला। दूसरा, जो पैसे जो जमा करते हैं उसकी एक्सेप्टेंस के लिए अगर हम देखें, तो टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट एनी अमाउंट, जो यूनिवर्सल बैंक है इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है कि टाइम और डिमांड डिपॉजिट करने के लिए कि कितने तक कर सकते हैं। जबकि डिफरेंशियल बैंक उनमें एक रिस्ट्रिक्शन है। पेमेंट बैंक, जो भुगतान बैंक जो नए बने हैं, उनमें ये सीमा पहले 1 लाख थी, अब बढ़ा के 2 लाख से अधिक की जमा वो स्वीकार नहीं कर सकते। लोन की बात मैं अगर करूं, तो यूनिवर्सल बैंक इनके लिए किसी को ये लोन दे सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार का RBI की डायरेक्शन है कि 40% PSL प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग इनको करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार की जो प्राथमिकता है उन क्षेत्रों को, ग्रामीण, SC ST कृषि क्षेत्र को इनको लोन देना होगा। लेकिन अगर मैं डिफरेंशियल बैंक की मैं बात करूं, तो वहां पे अलग है। पेमेंट बैंक जो है, चाहे वो एयरटेल पेमेंट हो, कोई सा भी एयरटेल पेमेंट बैंक जैसे है, तो वो लोग लोन नहीं दे सकते। स्मॉल फाइनेंस बैंक या RRB की अगर मैं बात करूं, तो इनको 75% लोन PSL सेक्टर में देना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ेगा। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो डिफरेंशियल बैंक, ये महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स के लिहाज से महत्वपूर्ण, इसलिए हमने इसको आर्थिक समीक्षा में शामिल कर लिया। तो जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी भाई, 1991 में ये प्रीलिम्स के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। 1991 में एम नरसिंघम कमेटी बनी थी। भारतीय बैंकिंग का अगर पिता में पूछ लिया जाए तो वो है एम नरसिंघम। इनकी दो बार इनकी कमेटियां बनी, नरसिंघम कमेटी फर्स्ट 1991 और नरसिंघम कमेटी सेकंड 98। ठीक है, तो 1991 में जब कमेटी बनी, उदारीकरण के बाद जब कमेटी बनी, तो उसने कुछ सुझाव दिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के, जिसमें कुछ था कि सरकारी नियंत्रण आप कम करो बैंकों पे। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप अगर वित्तीय समावेशन चाहते हो, लोगों को बैंक से जोड़ना चाहते हो, तो इसकी शाखाओं को बढ़ाओ। तीसरा, नए विदेशी बैंकों के लिए आप राहें सुगम करो, रिस्ट्रिक्शंस आप हटाओ, उनको बैंकों को, नए विदेशी बैंकों को आने दो। और तीसरा, इन्होंने कहा ऑन टैप लाइसेंस सिस्टम, आप जो बैंकिंग जो है उनके लिए ऑन टैप सिस्टम चालू करो। इसके लिए यह नहीं कि आप एक अधिसूचना जारी करोगे, निविदाएं मांगोगे, आप एक नोटिस जारी करोगे, नहीं। कभी भी कोई भी बैंक जो है उसके लिए आप शर्तें निर्धारित कर दो, वो आवेदन करे और अगर वो पूर्ति करता है तो आप उसको लाइसेंस जारी करें। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। RRB की स्थापना 26 सितंबर 1975 के अध्यादेश और 1976 के RRB अधिनियम के प्रावधान के अनुसार की गई। ये महत्वपूर्ण है, ये नोट कर ले। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि ग्रामीण और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र जो है उनको लोनिंग की, उनके बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके, बस इतना सा इसका उद्देश्य है। अगर प्रीलिम्स के हिसाब से कहें, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्राथमा ग्रामीण बैंक मुरादाबाद UP में 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण, ये प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक होते हैं उनमें क्या हिस्सेदारी होती है, तो 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है, 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है, और 35% हिस्सेदारी जो प्रायोजक बैंक होता है उसकी होती है। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न कई बार RS में और अदर जो एग्जाम है IAS में भी पूछा जाता है, UPSC में भी पूछा हुआ है कि RBI द्वारा नियमित होता है, लेकिन इसको नाबार्ड इसको संचालित करती है। RRB को संचालित कौन करता है? RBI नहीं करता, नाबार्ड करता है। नाबार्ड के बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना, नाबार्ड से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में केवल सिक्किम और गोवा दो ऐसे स्टेट है जहां पे RRB की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं नहीं है, बाकी सब स्टेट में इसकी शाखाएं। वर्तमान में कुल जो RBI की वेबसाइट है उसके अनुसार 43 RRBs 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्तमान में क्रियाशील है। उसके बाद में लोकल एरिया बैंक की बात कर लेता हूँ। डिफरेंशियल बैंक का जो दूसरा है वो लोकल एरिया बैंक, इन 1996 में प्रारंभ हुए। एक शहर में केवल एक ही ब्रांच खोल सकते हैं। इसके लिए मैंने जैसे कहा ना कि इनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है,
यूनिवर्सल बैंक के लिए ऐसे डिफरेंस ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये केवल एक शहर में एक ही ब्रांच खोल सकते हैं, शेष ग्रामीण क्षेत्र अर्ध शहरी क्षेत्र में खोलेंगे। वर्तमान में केवल दो LLB है, LAB है, लोकल एरिया बैंक है, ठीक है, उनके नाम हमने दे दिए। एक बैंक का दिसंबर 2020 में RBI ने लाइसेंस, सुभद्रा लोकल बैंक था, उसका RBI ने लाइसेंस निरस्त कर दिया। तीसरा साथ जल्दी से हम देख लेते हैं लघु वित्त बैंक, जो आपके आर्थिक समीक्षा में भी दिया हुआ है। लघु वित्त बैंक 2016 में प्रारंभ हुए। इन बैंकों की स्थापना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन था। लोग जो यूनिवर्सल बैंक उनको कवरेज ग्रामीण क्षेत्र में या छोटी जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर था या सूक्ष्म मध्यम वर्ग के जो व्यवसायी थे उनको कवर नहीं कर पा रहे थे, तो वित्तीय समावेशन और उन लोगों को असंगठित और किसानों को जो सूक्ष्म बचत छोटी बचत वाले माइक्रो लेवल पे जो काम, उनकी बचत को बैंक तक लाने के लिए, उनका वित्तीय समावेशन करने के लिए लघु वित्त बैंक 2016 में लेके आए गए। वित्तीय समावेशन पर नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों पर इसकी स्थापना, ये भी इम्पोर्टेंट है। नचिकेत मोर समिति बहुत महत्वपूर्ण है, इसी ने ये सुझाव दिया था कि आपको वित्तीय समावेशन करना है तो आपके नजदीक बैंक होना चाहिए, उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर लघु वित्त बैंक और पेमेंट बैंक की स्थापना भारत में की गई। लघु वित्त बैंक के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। वर्तमान में 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक कार्यरत है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यार जो RBI की वेबसाइट से हमने लिया है। पहला एस स्मॉल फाइनेंस बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रीलिम्स के लिहाज से। ये सबसे चर्चित बैंक है, भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक आप भी खूब यूज करते हैं मोबाइल में, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लिया। आरबीआई ने 2014 में नचिकेत मोर समिति, 2013 में नचिकेत मोर समिति बनी थी, 2014 में उन्होंने अपनी सिफारिशें दी वित्तीय समावेशन पे। समिति पूछा जा सकता है कि नचिकेत मोर समिति का संबंध किससे है, तो उनका बैंकिंग सुधार से संबंधित नहीं था, उनका संबंध है वित्तीय समावेशन संबंधी सुझाव के। इनकी सिफारिश में भुगतान बैंक के निर्देश जारी किए गए। भुगतान बैंक है क्या? एक विशेष प्रकार का बैंक है जो कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलाप करता है, ये पूरी तरह से एक बैंक भी नहीं है, एक सीमित क्षेत्र में सीमित दायरे में ये बैंकिंग का कार्य करता है, ठीक है। इनका प्रमुख उद्देश्य वित्तीय समावेशन, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, लघु कारोबारी और असंगठित क्षेत्र के संस्थाओं को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। वर्तमान में 6 भुगतान बैंक भारत में कार्यरत है, और पहला भुगतान बैंक पूछा जा सकता है अप्रैल 2016 में एयरटेल पेमेंट बैंक पहला भारत का पहला भुगतान बैंक था। तो ये हमने बात कर ली भुगतान बैंक की। एक और देख लीजिए कि अधिकतम 2 लाख तक की जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं, 2 लाख से आप ज्यादा इसमें जमा नहीं कर सकते। डेबिट कार्ड हाँ ये जारी कर सकते हैं, लोन नहीं दे सकते, ये बैंक आपको लोन नहीं दे सकता और न ही ये क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी हमने समरी आपको बता दी जल्दी से। अब बैंकिंग सेवाओं के बाद, बैंकिंग सुविधाओं के बाद हम देख लेते हैं कृषि एवं संबंध सेवाएं, जो आर्थिक समीक्षा का पार्ट है। राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2020-21 में कृषि का क्षेत्रवार योगदान 29.77, तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण, हमने पहले भी इसकी चर्चा कर ली थी, लेकिन इसका वापस स्क्रीनशॉट ले लें या इसको रट लें। और अगर मैं बात करूं खाद्यान्न के उत्पादन की बात करूं मैं, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन 271.33 लाख टन होने का अनुमान है खाद्यान्न का, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और हम मैं बात करूं कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो जी हाँ आपकी बात वृद्धि हुई है। साथ ही ये तो हमने बात कर ली छोटे से प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न की। अब इसी के आधार पर हम बात कर लेते प्रचलित जोत धारकों की, जोत की स्थिति क्या है। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, ठीक है, जबकि वर्ष 2010-11 में इनकी संख्या 68.88 लाख थी, अर्थात भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई। इट मींस आपके भू जोतों का बंटवारा हुआ है, भूमि का विभाजन होने की वजह से ये बढ़ी है। सीमांत लघु अर्ध मध्यम मध्यम एवं बड़े आकार के जो जोत है उनकी हमने कितने प्रतिशत, सबसे ज्यादा तो लघु ही होंगे, तो वो फिगर भी हमने साथ में दे दिया है। बड़े आकार की भू जोतों की संख्या 11.14 जो है उनमें 11.14% की कमी है, मतलब आपके विभाजन हुए हैं, आप जोतों का विभाजन होने की वजह से ये हुआ। एक प्रश्न पूछा जा सकता है इस आर्थिक समीक्षा से, महिला प्रचालित जोत धारकों की संख्या, राज्य की कृषि गणना 2015-16 को हमने बेस बनाया है, उसके अनुसार महिला प्रचालित जोतों की संख्या 7.75 लाख है, जबकि 10-11 में ये संख्या मात्र 5.46 लाख थी। इट मीन्स 41% की वृद्धि हुई है महिलाओं के जोत संख्याओं में।
मानसून का एक इसमें दिया हुआ है, तो मानसून की बात करें तो पिछले तुलना में 0.04% की कमी रही है। तो इसमें से एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आपकी जो सामान्य वर्षा है वो कितनी है, 520.98 mm राजस्थान में मानी जाती है। फसल के उत्पादन की हम बात कर रहे थे कि कितना उत्पादन रहेगा, तो 2021 की हमने अनाज दलहन यानी दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न, तो 271.33 लाख टन हमने शुरू में बता दिया। तिलहन की हम बात कर लें तो 87.15, ये हमने कंपैरिजन भी दे दिया 19-20 में और कितने क्षेत्रफल में, तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एक महत्वपूर्ण है। ये तिलहन गन्ने का उत्पादन 2.84 लाख टन रहने का अनुमान है, अग्रिम अनुमान है, और कपास की 88.33 लाख गांठ, एक गांठ में कितना होता है 100, कपास का जो नापा मापा जाता है या बताया जाता है आंकड़े वो गांठ के हिसाब से होते हैं और गांठ में होता है 170 kg, तो 28.33 लाख गांठ। कृषि विभाग की प्रमुख योजनाएं शामिल की गई आर्थिक समीक्षा में, तो उनको भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, इसका उद्देश्य हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि मेंस में अगर छोटे प्रश्न पूछे जाए तो सीधे सीधे आप इसमें से लिख सके। उद्देश्य क्या है, कृषकों के स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना ताकि बाहर को किसी पे आश्रित नहीं रहे। ये लागू कहां हुई, शुरू में तो इन्होंने 3 जलवायु खंड कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में लागू की थी, लेकिन 18-19 से सभी 10 जलवायु खंडों में लागू किया, तो कृषि की दृष्टि से राजस्थान को 10 जलवायु खंडों में बांटा हुआ है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की हम बात करें तो 19-20 में बजट में घोषणा हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही में, इन 3 जिलों में जीरो बजट फार्मिंग किन 3 जिलों में है, तो टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही में, तो ये भी महत्वपूर्ण है आपको। इसका उद्देश्य क्या है कि कृषि आदानों में आत्मनिर्भर बन सके किसान, इतना सा इसका उद्देश्य। तीसरी योजना है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना, कृषि उत्पाद में उत्पादकता बढ़ाने के लिए, कृषकों की आय में वृद्धि, जलवायु प्रतिरोधक क्षमता की क्षमता युक्त कृषि, कृषि में सिंचाई जल के उपयोग को कम करना, कृषि उत्पादकों के प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन के लिए योजना लाई गई, विश्व बैंक से पोषित है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये योजना राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना किस बैंक से या किस विदेशी संस्था से वित्त पोषित है, तो वर्ल्ड बैंक से वित्त पोषित है, राजस्थान के 17 जिलों की 17 चयनित क्लस्टर में, तो ये हमने फिगर हमने जो आर्थिक समीक्षा में प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण था, मेंस राइटिंग के हिसाब से महत्वपूर्ण था, उन्हीं चीजों को हमने उठाया। चौथा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में राज्य में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था हमारे, और ये 60-40 का रेशियो में, यानी केंद्र तो 60% देगा और राज्य 40% इसकी व्यय वहन करेगा। 2007-08 में शुरू हुआ और राज्य के गेहूं और दलहन को इसमें शामिल किया गया। उद्देश्य यही है, प्रमाणित बीजों का वितरण, उन्नत उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन करना, जैविक खाद का उपयोग, सूक्ष्म तत्वों का, कृषि यंत्रों का, फसल तंत्र आधारित प्रशिक्षण किसानों को देना, तो ये मेंस के हिसाब से हमने इसमें ऐड कर लिया कि आपको जरूरत पड़े मेंस राइटिंग में, आंसर राइटिंग में, तो आप यहाँ से लिख सके। राज्य में गेहूं के लिए 14 जिले, मोटे अनाज मक्का के लिए 5 जिलों में वर्तमान में लागू। पांचवी योजना, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, पूर्व में संचालित जो योजनाएं थी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता प्रबंधन परियोजना और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन को केंद्रित करते हुए, पुनर्गठित करते हुए नया कार्यक्रम इन्होंने राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन लागू किया। इसके 4 सब मिशन है, चारों का मैंने नाम लिख दिया है, ये महत्वपूर्ण है, सब मिशन इनके बारे में पूछा जा सकता है। और केंद्र और राज्य का अनुपात 60-40, अगर 100 रुपये खर्च होता है तो 60 रुपीज तो केंद्र सरकार देगी, 40 रुपीज राज्य सरकार देगी, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में निवेश में लगातार हो रही कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2007-08 में कृषि क्षेत्र के लिए योजनाओं को अधिक व्यापक रूप से तैयार करने के लिए शुरू की गई। किस लिए की गई, निवेश को बढ़ावा देने के लिए, और वही 60-40 का रेशियो। सातवीं योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, इसका नोडल विभाग उद्यानिकी है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका नोडल विभाग कौन है, कृषि विभाग नहीं है, उद्यानिकी है, और केंद्र राज्य का 60-40। ज्यादा कोई महत्वपूर्ण स्कीम्स इसमें नहीं है, छोटे छोटे फिगर्स हैं जो महत्वपूर्ण है वो हमने डाल दिए, इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
2016-17 में प्रारंभ हुई 13 जनवरी 2016 को, तो ये डेट महत्वपूर्ण होगी। खाद्यान्न एवं तिलहन के लिए खरीफ फसल में 2% प्रीमियम व रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम दिया होगा। वाणिज्यिक वार्षिक बागवानी फसलों के लिए 5% फसल बीमा लिया जाएगा। योजना में को एकमात्र बीमा कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, ये भी एक प्रश्न बन जाता है प्री के लिहाज से, किस कंपनी द्वारा? भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। राज्य के चयनित 24 जिलों में ये चल रही है, जिनमें फल मसाला फूलों के क्षेत्रवार उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि के लिए, तो ये जिले महत्वपूर्ण है, कितने जिलों में? 24 जिलों। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई सभी श्रेणी के कृषक, इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस तरह के लघु मध्यम वृहत कौन से, तो सभी के लिए लागू है। केंद्र राज्य का 60-40 अनुवाद और सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर अनुदान देने की ये योजना है। कृषि विपणन की मैं बात कर लेता हूँ, कृषि विपणन में सबसे महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इसके क्या है, इसके अंदर कृषकों, खेतीहर मजदूरों और हमालों को कार्यस्थल पर कृषि विपणन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, ये तथा इसमें तो कई बार पूछ रहे कि किससे संबंध है, इससे संबंध है। महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015, इसकी मुख्य विशेषता, हालांकि प्रीलिम्स के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण है, मेंस के हिसाब से महत्वपूर्ण है। सारी विशेषताएं हमने बता दी है, प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, मेधावी छात्रों के लिए पुरस्कार और चिकित्सा सहायता। प्रसूति सहायता में ये है कि अगर कोई रजिस्टर्ड अगर कोई महिला श्रमिक है तो उसको 45 दिन की जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी है वो भुगतान होगी, और पितृत्व अवकाश या पितृत्व अगर पिता है तो पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की उसको मजदूरी मिलेगी। राज्य कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 वर्तमान में लागू है, जो 17 दिसंबर 2019 से लागू हुई। इसकी जो विशेषता है ये मेंस के हिसाब से मैंने वापस आपको बता दूं, मेंस के हिसाब से मैंने डाल दी है क्योंकि आर्थिक समीक्षा में तो इतनी पूछी जा सकती है, छोटा सा एक प्रश्न पूछा जा सकता है 50 शब्दों का। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के बारे में बताइए या विशेषताएं बताइए। तो समूह आधारित कृषि कार्यप्रणाली का फसल कटाई के बाद हानियों को कम करना, कृषक उनके संगठनों की सहभागिता बढ़ाना, ये जो भी चारों चीजें आप स्क्रीनशॉट कर ले, वीडियो को आप वो कर ले, पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। कृषक कल्याण कोष, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 16 दिसंबर 2019 को इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। किसानों को व्यापार एवं खेती करने के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो, इसलिए 1,000 करोड़ की राशि से कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई है, महत्वपूर्ण इसमें डेट है, ठीक है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना 27 जिलों के 133 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास एवं नवीनीकरण के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जाइका द्वारा ऋण प्राप्त कर मंजूरी दी गई है, ठीक है। कितने जिलों में? 27 जिलों की 137 परियोजना। थोड़ा सा क्या बोरिंग इसलिए है कि क्योंकि योजनाएं हैं इनमें से एक आध प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आपको गौर से देखना ही पड़ेगा। राजस्थान में मरुक्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में पुनर्गठन के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित 10 जिलों में ये लागू। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक आया था तो हमने साथ में इसमें जोड़ दिया कि इकोनॉमिक्स के लिहाज से करंट के हिसाब से किसी ब्रिक्स जो देश है उनका एक बैंक है, ठीक है। ब्रिक्स देशों की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत विकास परियोजनाओं के आर्थिक आपस में ब्रिक्स देशों के आपस में मदद के लिए एक नया बैंक इन्होंने तैयार किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक दिया। 15 जुलाई 2014 को स्थापना फोर्टोलेजा ब्राजील में हुई थी, तो ये प्रीलिम्स के 6ठा शिखर सम्मेलन में, तो ये आपको मैंने फैक्ट यहाँ दे दिया। पहले अध्यक्ष भारत से ही थे केवी कामत, और इसका हेडक्वार्टर संघाई में, वर्तमान में अध्यक्ष है मार्कोस प्राडो ट्राइजो ब्राजील के हैं, तो ये चीज आप नोट कर लें। ये मैंने इसलिए डाल दी कि बांधों के नाम, ऐसे बांधों के नाम प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं जिनको हमें पता नहीं होता, ये वहां से उठाए जाते हैं आर्थिक समीक्षा। तो बांध पुनर्वास एवं सुधार कार्य में बजट 2020-21 में 7 बांधों का जीर्णोद्धार लिया गया है। बिसलपुर टोंक आप जानते हैं, छापी बांध झालावाड़ में, जवाई बांध पाली में, सुकली सेलवाड़ा बांध सिरोही में, माही बांध बांसवाड़ा में है, गंभीरी बांध चित्तौड़ में है, और मात्र कुंडिया बांध भीलवाड़ा में। ये मैंने इसलिए दे दिया कि बांधों के नाम कई बार ऐसे दे दिए जाते हैं जो हमारे ध्यान में नहीं होते। एक बार पूछा हुआ प्रश्न है 2012 के आसपास कि 8 या 12 में कि उपनिवेशन विभाग का मुख्य कार्य क्या है। उपनिवेशन विभाग का मुख्य कार्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन करना है, ये मैंने इसलिए इसमें डाल दिया। ये महत्वपूर्ण योजना है अटल भूजल योजना, भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से 50-50 आधा आधा 50-50 के रेशियो में ये योजना है। 7 राज्य
कितने हैं, 7 राज्यों में, राज्यों के नाम भी मैंने दे दिए, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी और एमपी। गिरते भूजल को रोकने के लिए 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई है, ये डेट महत्वपूर्ण हो गई आपके लिए। और ये किस किस सहयोग से, विश्व बैंक और भारत सरकार की संयुक्त, राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों में। ठीक है, जीपीएस की बात करूं तो 1144 ग्राम पंचायतों में खिलाफ, तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ऐड कर लें। कृषि से संबंधित जो अध्याय है आर्थिक समीक्षा, उसमें पशु गणना को भी इन्होंने जोड़ दिया। पशु गणना से भी एकाध प्रश्न आने की संभावना रहती है, इसलिए हमने इसमें भी जो डाटा हमें ऐड कर सकते हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिया। पहले तो प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि पशु गणना करवाता कौन है राजस्थान में, तो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रति 5 वर्ष में पशु गणना आयोजित करवाई जाती है। पशु गणना 2019-20 भी पशु गणना है, ठीक है, और कुल 568.0 लाख पशुधन और 146.23 लाख कुक्कुट राजस्थान में इस जनगणना पशु गणना में है, तो ये भी आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देश के कुल पशुधन का 10.58% भाग राजस्थान में है, ठीक है। अगर मैं जनगणना की बात करूं तो लगभग 5% था, और पशु की बात करूं तो 10.58% पशुधन हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ देश का ये आर्थिक समीक्षा से मैंने लाइन ऐसे कैसे उठाई है, तो हो सकता है कि आप पूछ रहे इसमें से, देश के 7.20% गोवंश है, 12.43% भैंस है, 13.99% बकरियां हैं, 10.64% भेड़ है, तथा 98.43% ऊंट है, यानी ऊंट एकमात्र ये मान के चलो आप राजस्थान में ही पाए जाते हैं। वर्ष 2017-18 में राज्य का योगदान दूध उत्पादन में 12.72% था, ऊन उत्पादन में 34.65% था। गत पशु गणना की तुलना में कुल पशुओं की संख्या में 1.66% की कमी आई है, ठीक। गोवंश की मैं बात कर ले, मैंने एडिशनल डाटा इसमें जोड़ दिया, भारत में छठा स्थान है और 4.41% की वृद्धि हुई है, संख्या मैंने इसमें नहीं लिखी है। भैंस की अगर मैं बात करूं तो भारत में राजस्थान का सबसे ज्यादा जो भैंस है सेकेंड स्थान पर, हम सबसे सेकेंड नंबर पर, 5.43% की इसमें वृद्धि हुई। आप तो ये मान सकते हो कि गोवंश में हमारे यहाँ वृद्धि हुई है, भैंस की गणना में भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई, भेड़ जनसंख्या में चौथे स्थान पे है और 12.95% की हमारे यहाँ पे कमी हुई है। बकरी की मैं बात करूं तो बकरी में भारत में प्रथम स्थान पे सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में है। ऊंट की बात करूं तो ऊंट में सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ है भाई, राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट, ठीक है। और सबसे ज्यादा कमी अगर किसी पशुधन में आई है तो ऊंटों की संख्या में, सेकंड जो सबसे ज्यादा कमी आई है वो ऊंटों में, सबसे ज्यादा कमी किसमें भी पता है अभी बताऊंगा आपको, गधों में, ठीक है। ऊंट की बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं और 34.69% की कमी आई। घोड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत में थर्ड है और 10.58% की कमी आई है। गधों के मामले में राजस्थान भारत में प्रथम है। भारत में सर्वाधिक गधे किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो है राजस्थान, ठीक है। लेकिन उनमें भी बहुत तेजी से कमी आ रही है, 71.31% की कमी पिछली पशु गणना की तुलना में आई है। भारत सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत राज्य में भेड़ व बकरी वंश की नस्ल सुधार योजना में संचालित की जा रही है, जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 है। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन में राज्य के कौन कौन से पशु उनकी नस्ल सुधार के लिए शामिल किया गया है, तो हमारा आंसर होगा भेड़ एवं बकरी, ठीक है। एक छोटा सा प्रीलिम्स के हिसाब से छोटा सा टॉपिक सहकारिता का भी देख लेते हैं, जिनमें फिगर हम, हालांकि बैंकिंग सिस्टम को हमने समझ लिया, लेकिन छोटा सा फिगर केवल 2 बिंदुओं में कवर हो जाएगा। पूछा हुआ प्रश्न है कि कितने केंद्रीय सहकारी बैंक है, 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है। दुग्ध संघ कितने हैं, 21 दुग्ध संघ है। 37 उपभोक्ता थोक भंडार है। 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। 6,687 प्राथमिक कृषि साख समिति है। 273 फल एवं सब्जी विपणन समिति है। 33 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, और जो 33 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनमें से 6 महिला बैंक है। तो ये प्रीलिम्स के लिहाज से फैक्ट्स के रूप में इनको देखना है, याद रखना है।
एक योजना इनकी सहकारिता विभाग की, हालांकि और भी योजना है लेकिन मेरे को जो महत्वपूर्ण लगी, जो प्रीलिम्स के लिहाज से पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है, ये ज्ञान सागर क्रेडिट योजना का संबंध किससे है? ये सहकारिता विभाग की योजना है और ग्रामीण और शहरी छात्रों को, छात्र छात्राओं को व्यवसाय एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वित्तीय सहायता देना इसका उद्देश्य है। आज की जो आर्थिक समीक्षा की हमने चर्चा की, उसमें हमने बैंकिंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा की, साथ ही कृषि एवं कृषि से संबंधित जो सेवाएं हैं उन पर हमने चर्चा की है। आगे के जो वीडियो होंगे उसमें हम पंचायती राज, उद्योग और उभरते सेवा क्षेत्र, इन सब चीजों के लिए हम अलग से दो वीडियो और तैयार करेंगे जिनमें हम इन सब चीजों को कवर करेंगे।